गुड न्यूज फॉर ऑल सैमसंग यूजर्स, किसी का टाइटल तो रीड नहीं कर रहा मैं। इतने दिन से हम लोग वन यू 5.0 के फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, हर एक किसी के मन में ये क्वेश्चन था कि हमारे फोन में वन यू 5.0 का अपडेट कब आएगा। तो आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली वन यू 5.0 का जो अपडेट लिस्ट है वो आ चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली यही बताने वाला हूँ कि वन यू 5.0 कौन कौन से सैमसंग के डिवाइस में आएगा और कब आएगा विथ डेट। वीडियो को लास्ट तक देखना, बट उससे पहले अगर चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज, क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट में ये नहीं बोलना कि मुंह ऐसा क्यों लग रहा है, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ। वैसे भी मैं देखना बंदर जैसा ही लगता हूँ। अब ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट लिस्ट पर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने लिस्ट है। सो सैमसंग के S22 सीरीज़ में सबसे पहले आएगा, मतलब अभी तक आ चुका है। उसके बाद सैमसंग के A सीरीज़ में A32, A51, A52, A52S 5G। मैं जब सैमसंग S20 FE, ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन को लेने से पहले सोच रहा था कि A52S 5G लूँगा, बट नहीं हो पाया कोई एक रीज़न की वजह से। उसके अलावा F सीरीज़ का एक फ़ोन है F62, M32, M33, M42, M21 नहीं है, M21 वाले वर्जन को तो मिलना चाहिए, बट इस लिस्ट में नहीं है। अब पता नहीं क्या सैमसंग क्या करने वाला है, सैमसंग M21 को मिलेगा कि नहीं। आई थिंक मिलना तो चाहिए, क्योंकि जो सैमसंग M21 वाला वर्जन है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 था, और दो साल का अपडेट मतलब एंड्रॉइड 13 तक मिलना चाहिए। उसके अलावा इस लिस्ट में और भी बहुत सारा सैमसंग के डिवाइस है, आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ लेना, या फिर फुल लिस्ट चाहते हो तो आप अपने सैमसंग मेंबर एप्लीकेशन के अंदर जाओ, वहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाए। और विथ डेट मैंने बताया, मतलब उसके बगल में ही डेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो। एग्जैक्ट डेट तो नहीं लिखा, बट हाँ वहाँ पर महीना लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, कौन से मंथ पर आएगा। जैसे मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G, इस फ़ोन को मिलेगा इसी महीने पर वन ईयर 5.0 का अपडेट एंड्रॉइड 13। और जब इस फ़ोन को अपडेट मिलेगा उसके बाद मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, इस अपडेट के बाद क्या कुछ नया नया फीचर ऐड होगा उन सभी के ऊपर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और आज के इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को अपडेट देने के लिए, आई मीन न्यूज़ देने के लिए। और चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।